सब इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक के वो उसे रह दे अगरचे उसका सगा भाई हो। बिजाहिर सगे भाई की तरफ हथियार से इशारा मारने और जानने में के लिए नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मना किया गया तो किसी और की तरफ हथियार से इशारा करने की जरूरत कैसे हो सकती है? और अगर मारने का इरादा हो तो इसकी इजाजत का सवाल ही पैदा, इसकी इजाजत का सवाल ही कहाँ पैदा होगा? इरशादे नबवी है, ला युशीर अहदुकुम ला युशीर अहदुकुम अला अखीहि सलाह फहुवा मा फी जुल्फी जहन्नम वइदा क़तल अहदुहुम सहिबहु फला जमीअ। तो में से कोई अपने भाई की तरफ हथियार से इशारा ना करे, इसलिए कि उसके हाथ से हथियार शैतान खींच ले, उसके वजह से वो दोजख के अहले में जा पड़े। हदीस में आता है कि मस्जिदों बाजारों और आम जगहों पर खुदा का लेकर ना चले, खुदा को म्यान में रख ले, तीर को कमान में रख ले, बंदूक भरी हुई ना हो, चाकू फुला हुआ ना हो। कहीं किसी मुसलमान को लगना चाहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नुम के सात दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजा उस शख्स के लिए है जिसे मेरी उम्मत पर तलवार खींची। अब्दुल्लाह बिन मसूद अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़िर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को देखा कि कंकरी फेंक रहा है। आपने फरमाया कंकरी मत फेंको, इसलिए कि इससे ना शिकार किया जा सकता है, ना किसी दुश्मन को जख्म लगाया जा सकता है, लेकिन तुम लोग फेंक फेंक कर किसी की आँख तोड़ किसी के दांत तोड़ दोगे, किसी की आँख तोड़ दोगे। बुजुर्गों दोस्तों, मुसलमान आपस में भाई भाई है, इनमें आपस में हमदर्दी मिला और हमेशाई होनी चाहिए, ना कि दुश्मनी और अदावत हो, एक दूसरे को मारने और कत्ल करने के दर पे हो। मार अल्लाह कितना खौफनाक और खतरनाक ये गुनाह है, इसको अल्लाह के यहाँ कितनी सख्त पकड़ है। जहन्नम की दहकती हुई आग एक दूसरे को खाते हुए अंगारे, सांप बिच्छू लहू पी, कांटेदार फल, हाथों को काट कर रख देने वाला पानी, क्या किसी के अंदर ताकत है इस अज़ाब को सह सके बर्दाश्त कर सके? इसकी होने ना कि इज्जत व तकलीफ का अंदाजा दरकिनार तस्वीर भी नहीं किया जा सकता। बुजुर्गों और दोस्तों, मजलूम तो शहीद मरेगा, कातिल के लिए हमेशा की हलाकत और बर्बाद लिख दी जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा قتلتونا عليه فهو شهيد وما قتلتونا تبيه فهو شهيد وما قتلتونا دينه فهو شهيد وما قتلتونا اهله فهو شهيد। जो अपने माल की हिफाजत करता हो कत्ल किया गया वो शहीद है, जो अपनी जान की हिफाजत करता हो कत्ल किया गया वो शहीद है, जो अपने दीन की हिफाजत करता हो कत्ल किया गया वो शहीद है, जो अपने अहले आयाल की हिफाजत करता हो कत्ल किया गया वो शहीद है। हाय अफसोस, हम मुसलमान दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी और इसके आसाइश और राहत के इतने हैस हो गए कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रहने देना चाहते। किसको? उसी को जो हमारा दीदी भाई है, जो हमारे हर रिश्ते से बढ़कर है, खानदानी और नस्ली रिश्ते से भी बढ़कर दीन और ईमान का रिश्ता होता है। इतने अलीम शान रिश्ते और ताल्लुक को भूल कर मोमिन और मुसलमान भाई की खून के प्यासे हो जाए, लानत है हमारे मुसलमान होने पर। तो फिर हमारा दावा ईमान पर, वाए वक्तो वाए बुरा अंजाम तो, वाए वक्तो वाए बुरा अंजाम तो, आर तारत को फुजा इस्लाम तो, वमा अलीना इल्ल बलाग। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको कहने से मिलेगा माशाल्लाह। बहुत खूब हमारे मुकर्रर साहब जो ये कर रहे थे तकरीर, इसमें बहुत सारी बातें मैं भाई मेन जो पढ़ने की बात बताऊं, शहीद के मुतालिक बोल रहे थे, शहीद का एक कतरा खून ढूंढने से पहले उनकी मग़फ़िरत हो जाती है। अब बताइए उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं शहीद का क्या मर्तबा मकाम होगा। हम सब आज मिलकर तमन्ना कीजिए इंशाल्लाह शहीद का मौत करते हैं तमन्ना इंशाल्लाह। जब ये पढ़ाई कर रहे थे मेरे दिल में ये शेर गुंज रहा था, ये शेर जब मेरे गुंज रहा था मेरे भाई सुनिए शेर को, आपका दिल भी गुंजेगा, दिल के अंदर कुरान उठेगी, तकलीफ जो होगी जो सुनिए जरा दिल खुश हो जाएगा। उनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी मुझे वो रंगीन की जवानी देखी। अल्लाह ताला मुकर्रर को ताहयात बांटे रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। अब आइए अब दूसरे मुकर्रर तक पहुंचने की जसारत कर रहे हैं जिसका नाम इसमें गिरामी जनाब सलाहुद्दीन साहब टाश पर तशरीफ लिया नाती अपने सामाइन को अपने शोरा बयानी से मुकर्रर अपने सामाइन को सुनाएं।